तो टूडे वी आर इन द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर सब्जेक्ट ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न सी यू सेमिस्टर सिक्स अभी तक हम लोग को पता है हम लोग इनकम कंप्यूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल में थियोरिटिकल हम लोग को नहीं जाना हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की सैलरी है बारह लाख रुपये की सैलरी है बारह लाख रुपये से डिडक्शन माइनस मिलता है अपटू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड हमने बनाया हमारी इसकी सैलरी निकाल के आ गई से इनकम फ्रॉम अदर है सपोज इसको कुछ डिविडेंड अगर मिला है ये इलेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड हम लोगों कंप्यूटर हम लोग क्या कहते हैं सम्मिशन ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम को क्या कहते हैं दिस इज नोन एज क्रॉस टोटल इनकम से हमको डिडक्शन मिलना है बेस्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर ए सपोज ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अमाउंटिंग टू रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है के लिए ही इज एलिजिबल फॉर रुपीज ऑल टूगेदर ऑल टूगेदर हिज इनकम टर्म्स टू टेन लैख क्लियर इस टेन लैख के ऊपर हमको टैक्स कंप्यूट करना है टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ आपको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं इसमें लेके जाऊंगा थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ फर्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इफ ही इज एन नॉर्मल नॉट अ सीनियर सिटीजन इन दैट सिचुएशन फर्स्ट रुपीज टू लैख

या रिबेट मिलेगी आपको सिंस तो मुझे रिबेट का कोई सीन नहीं आई एम नॉट एलिजिबल इसमें एजुकेशन सेस करना है। से मेरा फाइबिलिटी आया वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे इम, इम, आ, मेरे इम्प्लॉयर ने वन सैलरी से मेरे ने एट लाख पंद्रह हजार तो मैं इसमें से एक लाख सत्रह हजार में से एक लाख पंद्रह हजार रूपया माइनस कर देता हूँ हम लोगों ने सेमेस्टर फोर एंड फाइव में स्टडी पढ़ा है एक लाख पंद्रह हजार बैलेंस बचा अब मुझे ये चीज बताओ इस दो हजार का करना क्या है अब मुझे एक चीज़ बताओ इस दो हजार रुपए का करना क्या है ये आप पाते हो या आपको गवर्नमेंट को देना है ये गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके हुआ क्या अभी तक मेरा इट सैलरी मैं इट सैलरीड पर्सन हूँ मेरी मंथली सैलरी एक लाख रुपया ऑल टुगेदर बारह महीना का मुझे बारह लाख रुपया मैंने एक छोटा सा कॉम्पिटिशन बनाया जो आप सेमेस्टर फोर पॉइंट फाइव में करते आ रहे हो स्टैंडर्ड रक्शन मुझे मिला सैलरी से फिफ्टी थाउजेंड ऑल टुगेदर माई सैलरी इनकम इज इलेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड मुझे कुछ डिविडेंड इनकम हो रखी है टेन थाउजेंड की ऑल टुगेदर माई इनकम माई ग्रॉस टोटल इनकम इज इलेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड मेरे को कुछ मिलने हैं एट्टी सी के डेढ़ लाख रुपया और एट्टी डी दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस टेन थाउजेंड आई एम एलिजिबल फॉर दिस टू मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा दिसमेंटी सी क्या होता है एट्टी डी क्या होता है ये तो आपने सेमेस्टर सेमेस्टर एंड में ऑलरेडी पढ़ाई किया है स्टैंडर्डाक्शन पचास हजार रुपया कहाँ से आया ये भी आपने पढ़ाई पढ़ी है मैंने माइनस किया वन फिफ्टी और टेन आई गॉट टेन लाख रुपीज दिस टेन लाख रुपीज इज एज माई टोटल इनकम

बिल्कुल like 50,000 5 थाउजेंड फाइव परसेंट कम्स टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट फाइव लाख रुपीज पे ट्वेंटी परसेंट कम्स टू रुपीज वन लाख अगर उसके ऊपर इनकम होती आप सभी जानते हैं दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट ऑल टूगेदर मेरी टैक्स बना वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी सेवन ए का रिलीफ एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या मैं एलिजिबल हूँ एट्टी सेवन ए के रिबेट के लिए के लिए और दिस वन कौन सी इनकम इवन और कंसिडरिंग एट्टी सेवन इनकम शुड बीडर टेन लैख टोटल तो तो इनकम आपका है ये पांच के अंदर अंदर होनी चाहिए यहाँ पे ऊपर चली गया आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी अंडर सेक्शन एट्टी सेवन है यह सब फोर एंड फाइव में पढ़ा हुआ है चार परसेंट जो की टोटल आ गया मेरा वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड मेरा लाइबिलिटी आउट ऑफ दैट मुझे पता है कि मेरे इम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी जब पेमेंट की थी उसमें टी डी एसा था वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड मींस अभी भी मुझे दो हजार रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट करना है अब मेरा क्वेश्चन यहाँ यहाँ तक आपने सेमेस्टर फोर और फाइव में ऑलरेडी पढ़ाई किया है यहां से आपकी ये प्रैक्टिकल जर्नी चालू हो रही है इस दो हजार का करना क्या है अगर बोला जाए ये पेमेंट आपको करना है और क्वेश्चन होता है कैसे पेमेंट करना है किसको पेमेंट करना है मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझाया था कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट्स में आपको हाउ टू डू पे फोकस करना है व्हाट टू डू हमको पता है कि ये दो हजार रुपया हमको देना है गवर्नमेंट को बट हाउ टू डू ये हमको अब समझना है क्लियर हमको दो हजार रुपया पेमेंट करना अब उसको पेमेंट करने के लिए दो रस्ते हैं या तो गवर्नमेंट आपके पास आए गवर्नमेंट ने आपके घर का दरवाजा नोट न किया सर जी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए आपका कम्पटिशन बन गया हो तो जो टैक्स बना है वो हमको दे दीजिए इनकम टैक्स का कम्पटिशन आपने उनको दिखाया दो हजार रुपया बनता है आपने उसको दो हजार रुपया दे दिया इज इट पॉसिबल टू डू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर पे आ जाता है तो उसको नॉर्मल मत लीजिएगा दैट इज़ अ रेट वो तो रेट का केस हो गया बट इन जनरल ऐसा तो होता नहीं है वो तो क्या आप गांधी जी वाला जो नोट ल, होता है वो लेके 500 500 के चार नोट लिए और चले गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ले जाके जमा कर दिया तो कौन से सर कलकड़ा इट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सात आठ बिल्डिंग है किसके पास जाओगे कौन से ऑफिसर को तो पेमेंट करोगे कहाँ पेमेंट करोगे सर ये भी फिजिबल नहीं है तो सर कैसे पेमेंट करे इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया एक सिस्टम बनाया एक पोर्टल है इनकम टैक्स की एक पोर्टल है उस पर आपको जाना है और वहां से आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट करना है है अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो आप किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो अगर आप कोई फीस पेमेंट करते हो तो क्या सीधा काउंटर पे जाके दो हजार रुपया दे दिए और बात खत्म हो जाती है क्या ऐसा तो होता नहीं है आपको एक कुछ फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म चाहे बैंक में भी कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो भी आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है उसके साथ में रुपया के साथ एक फॉर्म भाई कौन से अकाउंट में जब क्रेडिट डालना है आपका क्या नाम है किस टाइप के नोट्स है ये सब आपको जब बैंक में भी कैश डिपॉजिट करते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म में लिख के आपको देनी पड़ती है ये तो आप फिर भी इंटम टैक्स पेमेंट करते हो तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन तो देना ही पड़ेगा कि सिर्फ गांधी जी देने से हो जाएगा इवन कॉलेज की भी फीस पेमेंट करते हो तो उसमें भी एक फॉर्म आपको भर के देनी पड़ती है उसका आधा पार्ट काउंटर पार्ट वो लोग रख लेता है और आधा पार्ट जो रहता है उसमें स्टैंप मार के आपको दे दिया जाता है ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है कि सिर्फ दो हज़ार रुपया दे दिया बात खत्म उसके अंदर आप नहीं लिख के देते तो आपका रोल नंबर क्या है आपका नाम क्या है तभी तो आपको ड्यू क्रेडिट दिया जाएगा अगर आपने बोला मैंने पेमेंट कर दिया और आपके पास रिसीट नहीं है कुछ भी तो और कल कॉलेज या कोई भी अथॉरिटी क्लेम करे कि आपने ये पेमेंट नहीं किया है तो आप क्या शो करेंगे आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे आप प्रूफ कैसे करेंगे कि आपने पेमेंट किया है और अगर खाली कैश दे दिया उसने आपको रिसीट पर ठप्पा मार के दे दिया तो किसके लिए जमा दिया है कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है ये भी तो गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा तो गवर्नमेंट हैज डेवलप ए वेबसाइट उसके थ्रू आपको ये पेमेंट करना है क्लियर अब हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड देर आर थ्री वेब पेजेस एक इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन आप लिख लीजिए आप लिख लीजिए कि कौन सी कौन सी वेबसाइट है जिसका आपको आगे रोल आएगा नंबर वन डब्ल्यू 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 डॉट इनकम टैक्स डॉट डॉट इन नंबर टू डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इनकम टैक्स डॉट जी ओवी डॉट इन एंड एक और साइट है तीन वेबसाइट का नाम आपको याद रखना चाहिए पहला इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन कभी कभी आप कुछ ब्राउजर्स में बिना डब्ल्यू 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 यू के भी आप इसको खोल पाएंगे अगर नहीं खुलता हो तो प्लीज आ, इसमें प्रीफिक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन और तीसरी है टिन डैश एनएसडीएल डॉट कॉम हम सबसे पहले ये पेमेंट करने वाले सिचुएशन पे जा रहे हैं इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा टिन डैश एनएसडीएल डॉट कॉम हम आए मेरा ब्राउजर ब्राउजर में मैंने टाइप किया टैश एन एस डी एल डॉट कॉम टिन डैश एनएसडीएल डॉट कॉम हम लोग कंटिन्यू किए तो तीन बार ये पॉपअप आएगा आपको तो सबको कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है देन यहाँ पे सर्विस बोल के एक आइटम दिख रहा है पर नेविगेशन बार लगी हुई है पर जो नेविगेशन बार है उसमें देखिए अबाउट अस सर्विसेज फैसिलिटेशन सेंटर पब्लिकेशंस एक्सेट्रा ये काफ़ी सारे नेविगेशन बार आइटम्स है उसमें से आपको ये सर्विसेज में जाना है नंबर टू आइटम सर्विसेज में देखिए जब नीचे आएंगे ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन एक इसमें लिंक दी हुई है ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन ये वाली जो विंग है ये वाली जो लिंक है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे मैंने क्लिक किया इसमें बहुत सारे चालान के बारे में इंफॉर्मेशन ये सब क्या है ये सब टी टीसीएस चालान नंबर टू एट्टी वन टू एट्टी टू एट्टी टू टू एट्टी थ्री ये अलग अलग पेमेंट के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गवर्नमेंट ने बना रखा है एग्जाम्पल आप टैक्स का पेमेंट करोगे तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको form fill up कर के देना है। अगर आप आपको डिटेल आप तो डाल के देना है इस तरीके से जितना जितना टाइप का पेमेंट बनता गया गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप के फॉर्म्स यहां पे बनाए और यहां पे अपलोड कर दिए okay. अब हमको क्या करना है हमको पेमेंट क्या टीडीएस टीसीएस का लोग पेमेंट कर रहे हैं क्या नहीं जी हम लोग टीडीएस टीसीएस का पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग तो हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करने जा रहे हैं इसके लिए हमको देखिए नॉन टीडीएस टीसीएस में ये चालान नंबर टू एट्टी के बारे में क्या लिखा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट टैक्स ऑन दिस दैट सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको कौन सा चालान सेलेक्ट करना है चालान नंबर टू एट जीरो मैंने टू एट जीरो बटन प्रेस किया तो मेरे सामने एक चालान एक फॉर्म ओपन हो गया उस फॉर्म में काफी सारे डिटेल आपको भरनी है क्या क्या डिटेल डालनी है टैक्स आप किस टाइप के देखिए एकदम सा एक ज़्यादा कुछ टाइप नहीं करना है आपको सिलेक्शन ज्यादा करना है that means radio buttons बने हुए आपको tick -tick -tick करना है एंड आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा एंड देन उसके वजह से आपको इसको पेमेंट करना है आइए हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे इसको फिल करते हैं टैक्स एप्लीकेबल कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स

टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट कर रहे हो अकॉर्डिंगली <coughs> आपको चूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे को एक चीज बताइए ये जो दो हजार रुपया जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये कौन सा पेमेंट है एडवांस टैक्स है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है कि टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट है बताइए ये जो पेमेंट आप कर रहे हो टू थाउजेंड रुपीज का ये आपने कैसे टू थाउजेंड डिराइव किया के लिए आपने एक सेल्फ असैसमेंट बनाया प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद आप कर रहे हो दैट इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट टैक्स आपका करने के बाद जो टैक्स बाकी बच रहा है वो आप अपना डिस्चार्ज अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट करके डिस्चार्ज कर रहे हो दैट मीन यू आर पेइंग योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको क्या ऑप्ट करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स नंबर 300 उस बटन वो जो रेडियो बटन है सेलेक्ट कर लेना नाउ किस तरीके से पेमेंट करोगे नेट बैंकिंग से करोगे कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है इनकम टैक्स का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए या तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से करना होगा कुछ केसेस में आप आरबीआई में जाके पेमेंट कर सकते हो लेकिन आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को ही ज़्यादा फोकस किया गया है। नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो कौन सी बैंक से पेमेंट करोगे नेट बैंकिंग से अगर आपने ऑप्ट किया है तो कौन सी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज करना चाहोगे आप अपना सिलेक्शन चूज कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज किया आईसीआईसीआई बैंक ओके अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं, तो आप डेबिट कार्ड यूज कर लेते हैं एंड कौन से बैंक का डेबिट का कार्ड है बस इन्हीं बैंक के डेबिट कार्ड में से आप यूज कर सकते हो नेट बैंकिंग कर रहे हो तो आपने आई बैंक को सेलेक्ट कर लिया नाउ परमानेंट अकाउंट नंबर ये क्या होता है परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है एनी आइडिया एनी सजेशन सर सेमिस्टर फोर फाइव फाइव में आपने पढ़ा है सर सेमिस्टर फाइव में हम लोगों ने पढ़ा था एक पैन नंबर कुछ होता है क्या होता है पेन नंबर देखिए, अगर थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें टेक्निकल नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकली अगर सोचे पेन नंबर क्या होता है आप अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे कलकड़ा यूनिवर्सिटी ने आपको एक एडमिट कार्ड इश्यू किया है, उस एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ है आपका फोटो लगा हुआ है आपका नाम लिखा हुआ है, है कि नहीं आपको नहीं लगता कि सेम नाम का सपोज आपका नाम उसमें लिखा हुआ है पंकज तिवारी आपको नहीं लगता कि पंकज तिवारी नाम का एक और बंदा हो सकता है हो सकता उसी कॉलेज में हो हो सकता है उसी कॉलेज में हो सपोज हम लोग भवानीपुर कॉलेज की बातचीत करें क्या भवानीपुर कॉलेज गारंटी लेता है कि पंकज तिवारी नाम का सेमिस्टर सिक्स में एक ही बंदा होगा एक से ज्यादा नहीं हो सकता है क्या कि हो सकता है तो उस सिचुएशन में पंकज तिवारी एग्जाम देने पहुंचा अब कौन सा पंकज तिवारी दे रहा है इसको लेके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो सकता है क्या तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए क्या एक कोई दूसरा चीज और मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में हम लोग बैठे हैं मैंने आवाज दिया पंकज तिवारी तो दो पर्सन खड़े हो गए अब मुझे सेग्रीगेट करना है कि हमको किस पंकज तिवारी से काम है ये कैसे सेट्रीगेट होता है क्या होता है उसके लिए सर एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है एक यू नंबर अलॉट किया जाता है या एक कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है जो ये दोनों पंकज तिवारी को सेट्रिगेट करते हैं हर पर्सन का अलग से एक यूनिक रोल नंबर होता है एड्री करते हो कि नहीं करते हो सिमिलरली ऑन द सेम लाइन गवर्नमेंट ने भी जो जो टैक्स पेयर है जो जो एस है जो जो रजिस्टर्ड है उनको सेग्रिगेट करने के लिए एक नंबर अलोकेट करना चालू की उस नंबर को ये लोग क्या बोलते हैं ये लोग बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है परमानेंट अकाउंट नंबर थोड़ा सा मैं वापस से आपको थ्योरेटिकल ले जाता हूं इस बार वापस से ब्रशअप करता हूं आपने सेमेस्टर फाइव में इसके बारे में पढ़ा है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन पेन नंबर के बारे में कर रहे हैं क्योंकि तो आगे जाके आपके लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल रहने वाला है पेन नंबर कितना डिजिट का होता है टेन डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है अल्फा न्यूमरिक क्यों बोलते हैं क्योंकि स्टैंड डिजिट्स में सिंपल अल्फाबेट्स नहीं होते या फिर सिर्फ नंबर्स नहीं होते स्ट्रक्चर कैसा होता है समझने की कोशिश कीजिएगा शुरुआत के फाइव जो रहेंगे वो अल्फाबेट्स रहते हैं से ए पी एम ये शुरुआत के फाइव लेटर जो रहेंगे वो अल्फाबेट्स है फॉलोड बाई फोर नंबर वन टू थ्री फोर

आउट ऑफ दिस टेन डिजिट शुरुआत के फाइव डिजिट जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं followed by four numerical numbers and last में एक और alphabets किया जाता है। ये digits को हम अल्फा कहते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ आपको मैं थोड़ा अपने शेलो थॉम्स का नाम सुना है क्या शेलो थॉम्स किसको कहते थे Holmes बारे में एक वो डिटेक्टिव था वो कुछ देखकर कर एक आध तो वो, वो ऐसे ही निकाल लेता था ऐसा होता था कि नहीं होता था उसके बारे में तो यही आ, रहा है अभी तक कि कुछ भी चीज देख के वो एक आध इन्फॉर्मेशन कबूत एविडेंस या कुछ इंफॉर्मेशन वो जनरेट कर सकता था क्या आप कोई पैन नंबर देख के क्या एक आध निकाल सकते हो क्या देखिए मैं आपको शेलॉक होम्स बना रहा हूं इस मामले में तो एटलीस्ट कैसे देखिए मैं ये पेन नंबर देख के ये बता सकता हूं सही है यह गलत मुझे नहीं पता पर अगर ये पेन नंबर सही है तो ये पेन नंबर एक इंडिविजुअल आदमी का है और उस इंडिविजुअल आदमी का टाइटल यानी सरनेम एम लेटर से चालू हो देखिए मैंने एक पेन नंबर देखा ये पेन नंबर देख के मैंने दो इंफॉर्मेशन जनरेट की मैं शर्लो थो्स बन गया हूं कैसे आइडियली अगर किसी आदमी से पूछा जाए यह पेन नंबर है उसको कुछ भी इस पेन नंबर से समझ में नहीं आएगा कि यह पेन नंबर किसका है कुछ भी पता नहीं चल रहा लेकिन मैं दो इंफॉर्मेशन जरूर बता सकता हूं यह पेन नंबर एक इंडिविजुअल आदमी का है जिसका सरनेम एम से चालू होता है इट मे बी मुंदड़ा इट मे बी समथिंग एल्स बट एम जरूर हो रहा उसका सर ने मुंद्रा हो सकता है मोहंती हो सकता है मोहता हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट वो एक इंडिविजुअल है जिसका टाइटल एम से स्टार्ट हो रहा है कैसे पता चला देखिए सर इस पैन नंबर में ये जो फोर्थ डिजिट होता है ये जो फोर्थ कैरेक्टर होता है इससे आप पता लगाओगे ये किस टाइप का पर्सन है वेदर इट इज ए इंडिविजुअल वेदर इट इज एच का पेन नंबर है क्या ये कंपनी का पेन नंबर है क्या पार्टनरशिप फॉर्म का पेन नंबर है एक्सेट्रा और ये जो फिफ्थ करैक्टर होता है ये आपको सजेस्ट करता है सरनेम के बारे में फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पी लिखा है अगर ये पी पी का मतलब होता है पर्सनल दैट मीन्स ये एक इंडिविजुअल का पेन नंबर है और उस इंडिविजुअल का टाइटल यानी सरनेम का पहला वर्ड एम है अगर यहां पे पी की जगह सी होता पी की जगह सी होता तो यहां पे आप बोलते ये कंपनी का पेन नंबर है <coughs> ये किसी कंपनी का पेन नंबर है और उस कंपनी का नाम एम से चालू होता है बी केयरफुल केस ऑफ इंडिविजुअल केस ऑफ पर्सनल पेन ये जो एम है ये डिनोट करता है सरनेम को और बाकी एस एस के लिए ये जो फिफ्थ करेक्टर है ये डिनोट करता है नाम का पहला लेटर क्लियर है मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं फोर्थ करेक्टर पी सी एक्सेट्रा है अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है एंड फिफ्थ करेक्टर पी के लिए है तो सरनेम का फर्स्ट लेटर आ रहा है बाकी सबके लिए नेम का फर्स्ट लेटर अगर ये F है फोर्थ कैरेक्टर एफ है दैट दीन्स ये पार्टनरशिप फॉर्म का नंबर है ने से कंपनी है ने से पर्सनल है एच होने से एच यू एफ का पेन नंबर है ये इज इट क्लियर टी ओ ने से ट्रस्ट का पेन नंबर है ये एंड इंडिविजुअल है पर्सनल आदमी है तो ये फिफ्थ कैरेक्टर जो है ये जो करेक्टर है ये सरनेम के फर्स्ट लेटर को डिनोट करता है बाकी सब केसेस में नेम के फर्स्ट करेक्टर को डिनोट करता है अगर ये इस तरीके से पेन नंबर होता टू थ्री फोर जे तो मैं एक चीज बता सकता हूं ये पेन नंबर एक कंपनी का है इसका पहला नाम लेटर का पहला नाम नेम का पहला लेटर एम से शुरू इट मे बी मुंदा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इट मे बी मोहंती इट मे बी एनीथिंग बट नेम का पहला लेटर उस कंपनी का का नाम का पहला लेटर M से चालू होता है क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की नहीं है आप कोई भी पेन नंबर देखिए उसको देख के आप ये इंफॉर्मेशन पता लगा रहे हो ये पेन नंबर से दो इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है पहला इंफॉर्मेशन पेन नंबर किस टाइप के पर्सन का है क्या वो इंडिविजुअल है क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म है क्या वो एच है क्या वो कंपनी है एक्सेट्रा और फिफ्थ कैरेक्टर देख के आपको ये पता चल जा रहा है कि उस सामने वाला जिसका ये पेन नंबर है उसका नाम या कुछ केसेस में एक केस में सरनेम का टाइटल का पहला लेटर क्या है ये इंफॉर्मेशन आप पैन नंबर देख के निकाल सकते हो एक पेन नंबर और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ए ए बी सी वन टू थ्री फोर फाइव नंबर हो सकता है जरा बताइए ए ए बी सी ई दिस इज टेन डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर ये किसका पेन नंबर है किसका हो सकता है आपको सेल और हम्स बने हो दो इंफॉर्मेशन बताइए आपको एक और इंफॉर्मेशन uh, बता देता हूं बिंग सेलोथ होम्स आप बोलिए सर ये पेन नंबर गलत है ये किसी का भी पेन नंबर नहीं है वो तो नहीं है सर स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था फाइव प्लस फोर प्लस वन जबकि यहां पे क्या है फोर प्लस फाइव प्लस वन ये स्ट्रक्चर वाइज ये पेन नंबर ही नहीं है ये एक और आप शेलोथ की इंफॉर्मेशन में और एडिशन कर लीजिए ंग पेन नंबर आप तीन इंफॉर्मेशन एटलीस्ट निकाल सकते हो नंबर वन वेदर दिस इज अलिड पेन और नॉट ये स्ट्रक्चर वाइज सही है या नहीं है अगर सही नहीं है तो ये पेन नंबर है ही नहीं नंबर टू फोर्थ करेक्टर एंड नंबर थर्ड इंफॉर्मेशन फिफ्थ करेक्टर से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो चीज और बताओ ये पेन नंबर कहाँ मिलता है ये पैन नंबर कहा मिलता है मैं गया रिलायंस फ्रेश में गया बोला भाई साहब एक पेन नंबर दे दो क्या वो दे पाएगा क्या कहा लें यह पैन नंबर कहा मिलता है कैसे मिलता है सर जी ये पेन नंबर एनी आइडिया सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूं मुझे पेन नंबर चाहिए तो मैं पैन नंबर कैसे लू क्या मैं रिलायंस फ्रेश में जाऊं क्या मैं वेस्ट साइड जाऊं या कहीं और जाके ये पेन नंबर लूं? तो किसी ने मुझे कहा कि ये पेन नंबर आपको सिंह पेन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहा होता है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए वहीं आपको ये पेन नंबर मिलेगा आप लोग क्या इस बात से एग्री करते हो रे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा पेन नंबर इट इज रिलेटेड विथ इनकम टैक्स बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज की डेट में पेन नंबर इश्यू नहीं करता ये काम इन्होंने आउटसोर्स कर दिया पेन नंबर अलॉटमेंट का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन जनरल आउटसोर्स कर दिया किसको आउटसोर्स किया है एक है एनएसडीएल और एक है यूटीआई इन दो ट्रांसन को इन्होंने पेन नंबर का काम आउटसोर्स कर दिया जब भी कोई नया पेन बनाना हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना नहीं है इसके पास जाना है एनएसडीएल की ऑफिस या फिर यूटीआई की ऑफिस या इनकी कोई फ्रेंचाइजी लेके रखा हुआ कोई बंदा है तो उसकी ऑफिस में आपको विजिट करना है आई बात समझ में कोई पूछे आपको पैन नंबर बनाने के लिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रहा हूं बोल दिए आप गलत जगह जा रहे हो सिंपल एक ही बात कहां पे जाना चाहिए आपको एनएसडीएल का ऑफिस या फिर यूटीआई का ऑफिस या उनकी कोई फ्रेंचाइजी है उनके ऑफिस ध्यान रहेगा कैसे जाएंगे हम एन में चला गया वहां गया सर जी एक पेन नंबर दे दीजिए तो ऐसे मिल जाता है क्या ना ना ऐसे नहीं मिलता प्रैक्टिकली चीजों आपको ये हम जान हमको मेरे को पता है कि कि आपको मालूम है कि पेन नंबर क्या होता है बट क्या आपको ये पता था ये दो तीन सेलर होम्स वाली कहानी क्या आपको ये पता था कि अप्लाई कहाँ करते हैं आपको ये पता जरूर होगा फॉर्म नंबर के बारे में पता होगा आपके सिलेबस में रहा है सेमेस्टर में एक फॉर्म है फोर्टी नाइन ए उसके अंदर आप लोग को पैन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है बट कहां करना होता है ये तो आपको पता ही नहीं था कहां करना है एन एस डी एल या यूटीआई के ऑफिस या उनके किसी फ्रेंचाइजिस वहां जाकर आप फोर्टी नाइन ए को पूरा फिलअप कीजिएगा फिल करके आप उसको जमा दीजिएगा कुछ चार्जेस आपसे लिए जाएंगे आपको सात से दस दिन के अंदर पैन नंबर आ जाएगा तीसरा एक और वे है ऑनलाइन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करना हम लोग नहीं जा रहे कैसे भरना है उसमें हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं तो अब आपके पास आ गया पेन नंबर पेन नंबर जो आया आप इस फॉर्म में आप अपना पेन नंबर यहाँ पे डालेंगे मैं अपना एक पेन नंबर इसमें डाल रहा हूं एक डमी पेन नंबर मैं अपना पेन नंबर पूरे क्लास सेशन में यूज नहीं करूंगा हम लोग जो भी पेन नंबर यूज कर रहे हैं पेन पेन नंबर नंबर होगा बट के लिए मैं डाला सपोज मैंने डाल दिया ए एम फाइव फोर सेवन एट हो सकता है ये पेन नंबर हो ही ना द प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पेन नंबर डालना मैं अवॉइड कर सर प्राइवेसी तो इसमें क्या खतरा है पेन नंबर तो बहुत जनरली अवेलेबल है डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा डोंट ट्राई टू प्रोवाइड योर पेन नंबर फ्रीली डाटा कलेक्शन बहुत लोग बहुत टाइप से डाटा कलेक्शन होता है और उसमें कई बार फ्रॉड होने के रहते हैं ट्राई टू अवॉइड इस टाइप ऑफ सीनरी पब्लिक लार्ज में आप अपना पैन नंबर शेयर जनरली मत किया कीजिए अनलेस एन एंटिल नीड न हो तब तक आप शेयर मत किया कीजिए क्लियर ध्यान रहेगा फिर कभी बताऊंगा किस टाइप के फ्रॉड्स एग्जीक्यूट होते हैं ड्यू टू दिस पैन नंबर एक्सेट्रा ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ फीचर क्लियर ये मैंने पैन नंबर डाला ये एक डमी पैन नंबर हो सकता हो सकता है ये किसी का एक्चुअल पैन नंबर ना हो और मेरी जानकारी में ये किसी का पेन नंबर हो सकता है, नहीं भी हो और हो सकता हो मुझे नहीं पता मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ पे बैठाया है क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट है फर्स्ट फाइव डिजिट इज अल्फाबेट्स फॉलोड बाय फोर नंबर्स एंड देन वन अल्फाबेट्स स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट है पीएम मैंने करेक्ट डाला है पी डिनोट्स पर्सनल एंड एनी टाइटल ऑफ द पर्सन फर्स्ट लेटर ऑफ द सड ऑफ द अब मुझे सेलेक्ट करना असेसमेंट ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर का मैं पेमेंट कर रहा हूँ मैं अभी मान लीजिए पेमेंट कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर ट्वेंटी यहाँ पे ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सेलेक्ट किया देन फॉलोड बाई माई एड्रेस वो एड्रेस तो address आप अपना बैठा सकते हो आई थिंक एड्रेस में तो ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए मैंने बैठाया वन ट्वेंटी थ्री एक टाउन कॉल करता एट मुझे पता है जीरो एट नाइन मैंने डाल दिया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर मुझे डालना है तो डाल आजकल की डेट में जो बच्चा इंटरनेट आप सभी लोग थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाते ही हो ये तो फॉर्म से आप लोग तो समझ में आ गया होगा जहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये रेड स्ट्रिक लगा हुआ है जहाँ जहाँ पर यह रेड मार्क लगा हुआ है वो तो फील्ड मैंडेटरी हो फिल करना पड़ता है और बाकी जो रेड नहीं जिस पे लगा हुआ है ऑप्शनल होता है आपकी मर्जी अब या नहीं भरना आई थिंक अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग नेट जो चलाता है उसको पता ही रहता है दैट मीनस इस एड्रेस कॉलम में सिटी स्टेट एंड कोड बैठाना मैंडेटरी है ई मेल एंड मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है एक कैप्चर कोड आ रहा है कैप्चर कोड ये कंफर्म करने के लिए आप रोबोट नहीं हो इसके लिए कैप्चा कोड आता है एफ एल एच ये हर समय अलग अलग आएगा अब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँ एक चीज मेरे को समझ में नहीं आया सर क्या बात नहीं समझ आई सर मुझे तो पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए इन्होंने मेरे से मैं किस टाइप का पर्सन हूँ वो मांगा किस टाइप का मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो उन्होंने मांगा कौन सी बैंक से पेमेंट करूँगा ये इंफॉर्मेशन लिया मेरा पैन नंबर और ईयर क्या है ये इन्होंने मांगा एड्रेस मांग लिया और एक कैप्चा कोड मांगा बट सर एक चीज तो मांगा ही नहीं इतना पेमेंट करना है, ये तो ही नहीं तो क्या मर्जी या फिर इसने तो अभी तक मेरे से पूछा ही नहीं कि सर मुझे इतना पेमेंट करना है ये तो अधूरा है नहीं लग रहा आपको कि सर जो चीज हमको करना है रुपया तो पूछेगा जब हम कहीं पे ए, ए, कोई भी स्कूल में या कॉलेज में फीस देते हैं उसके जो काउंटर पार्ट होता है उसमें कम से कम रुपया का तो कॉलम रह जाए कि अल्टीमेटली आप कितना रुपया पेमेंट कर रहे हो आप अगर फीस का ता भी काउंटर पार्ट देखो उसमें जनरली रहता है रोल नंबर स्टूडेंट का नाम सेक्शन क्लास वगैरह रहेगा रहे और कितना रुपया दे रहे हो रुपया तो रहेगा कि नहीं रहेगा सर इस फॉर्म में तो रुपया कहीं पूछ ही नहीं रहा तो कोई दूसरा फॉर्म आएगा क्या देर स्टूडेंट रुपया का काम आप जब नेट बैंकिंग की साइट के साथ इसको लिंक कर देगा आपने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट किया ना आईसीआईसीआई बैंक के साथ जब वो लिंक होगा वहां पे आपसे रुपया का डिटेल मांगेगा कि आप लोग इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हो कि टैक्स पेनल्टी पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो वहां पे उसका सर्टिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा एन की साइट पे ये जो आप फॉर्म भर रहे हो इसमें आपसे अभी रुपया नहीं मांगेगा आप प्रोसीड करोगे प्रोसीड करने के बाद

वहां पर आपसे अमाउंट पूछा जाएगा अमाउंट पूछेगा आपके पास बैलेंस होगा अमाउंट आपने डाला कर हो एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ इन वैलिड पेन मैंने कहा था कि पेन हो सकता है वैलिड भी हो, हो सकता है नहीं भी हो मुझे नहीं जानकारी मैं तो एक डम्बी पेन नंबर बैठा अगर सब कुछ सही रहता अगर सब कुछ सही रहता तो एक और स्क्रीन आती जिसमें ये ऑटोमेट जिससे ऑटोमेटिकबल रहते रहने के बाद, सिर्फ आपको चेक करने का रहता है कि आपने एक बार फिल अप जो है, है वो सही किया है या नहीं किया है ये चेक होने के बाद, आप फर्दर प्रोसीड बटन प्रेस करोगे तो आपको रेस्पेक्टिव बैंक से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा और आगे का काम बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आईसीआईसीआई बैंक आपने ऑप्ट करोगे तो आईसीआईसी साथ लिंक करेगा और आईसीआईसी का जो प्रोसीजर है पेमेंट करने का वो फॉलो होगा एच डी एफ सी सिलेक्ट करोगे तो एच डी एफ सी के साथ लिंक कर देगा और एच डी एफ सी का जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा इट टोटली डिपेंड ऑन वेरी फ्रॉम बैंक बैंक टू इनकम टैक्स के लिए आपको ये फॉर्म भर जब आप ये सक्सेसफुल पेमेंट कर दोगे तो एक चलान जनरेट होगा एक रिसीट एक रिसीट जनरेट होगी वो रिसीट से आपको चार इंफॉर्मेशन मिलेगी जब रिसीट जनरेट होगी तो जब जनरली आप जब बैंक में जाके स्टांप लगाते हो तो वो जनरली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन उस चालान में उस आफ्टर पेमेंट आपको मिलेगा क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि आगे जाके आपके लिए यूजफुल एक मिलेगा बी एस आर कोड दूसरा मिलेगा सीरियल नंबर तीसरा मिलेगा डेट ऑफ पेमेंट फोर्थ मिलेगा अमाउंट ये चार इंफॉर्मेशन आपको आगे जाके काम आनी है क्या क्या है बी एस आर कोड क्या होता है बी एस आर कोड बीएसआर कोड होता है जनरली मैं बोलता हूं मैंने के थ्रू पेमेंट किया या मैंने बैंक में पेमेंट कर दिया सर बैंक तो इतनी बैंकें हैं आपने कौन सी बैंक में पेमेंट की है तो मैंने कहा आईसीआईसी बैंक की भी तो बहुत सारी ब्रांचेस है सर कौन सी ब्रांच के थ्रू पेमेंट जिस ब्रांच के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसका हर ब्रांच का एक कोड होता है जनरली जब आप लोग नेट बैंकिंग करते हो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो तो हम लोग क्या पूछते हैं भाई साहब मेरे को सपोज आपको एक रुपया कुछ रुपीज ट्रांसफर करना है तो मैं क्या पूछूंगा भाई तुम अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे दे है कि नहीं आईएफएससी कोड से क्या होता है आईएफएससी कोड आप डालते हो तो बैंक का नाम और ब्रांच आप ऑटोमेटिक आ जाता है आता है कि नहीं आता है सिमिलरली एक और फंक्शन है बैंक का ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दैट इज नोन एज एसआर कोड एसआर कोड सेवन डिजिट नंबर होता है सेवन डिजिट नंबर होता है ये इस नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी बैंक की कौन सी ब्रांच में ये पेमेंट हुआ है के थ्रू ये पेमेंट हुआ है सीरियल नंबर क्या होता है उस पर्टिकुलर डेट पे जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस ब्रांच को तो हो सकता है हंड्रेड पेमेंट मिला हो हंड्रेड एस एस सी ने पेमेंट किया हो किसी ने दो हजार किसी ने पांच हजार किसी ने फिर से दो हजार हो सकता है तो वो एक रजिस्टर बनती है सीरियल नंबर जनरेट होता है भाई ये सीरियल नंबर वाला पेमेंट मेरा है ये सीरियल नंबर वाला इसका है तो हर बैंक जब ऑनलाइन पेमेंट लेती है एक सीरियल नंबर अलॉट करती है आपके पेमेंट को वो सीरियल नंबर यहां पे आपको ध्यान रखना है ये फाइव डिजिट नंबर होता है डेट ऑफ पेमेंट तो आपको पता ही है कौन से दिन बैठ के आप पेमेंट कर रहे हो ये डेट ऑफ पेमेंट हो गया अमाउंट आपने कितना रुपया पेमेंट किया है ये चार इंफॉर्मेशन आपको पेमेंट करने के बाद ध्यान रखनी है ये आगे आपको काम आए ध्यान रहेगा आगे बढ़े दैट मीन्स अभी तक हमने क्या क्या किया है अभी तक हमने ये समझने का कोशिश किया है कि हमने कंपटीशन बनाया जो हम लोग सेमेस्टर फोर एंड फाइव में बनाते आ रहे हैं हमने कुछ भी नया नहीं किया ये कंपटीशन से हमको पता चला कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो हजार रुपया टैक्स का पेमेंट करना है कि अब पेमेंट कैसे करना है इसके बारे में यहां से हम लोगों ने नया कहानी इस सेमेस्टर सिक्स के लिए बनना चालू हुआ क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट आपके पास आएगी नहीं आपको भी कहीं जाना नहीं है आप बैठ के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो कुछ केसेस में होता है उसके लिए आपको आरबीआई में फिजल चलामान से करना पड़ता है बट आइडियली आज की डेट में नाइन्टी पेमेंट ऑनलाइन होता है इसके लिए तीन साइट्स है www.incometax.gov.in दूसरा है www.incometaxindia.gov.in और तीसरा है tin-nsdl.com ये खाली ई पे, पेमेंट के लिए नहीं है ये इनकम टैक्स के साइट्स के नाम है ये आपको कुछ ब्राउजर्स में बिना www के भी काम चल जाता है और कुछ में आपको www. prefix करना पड़ता है जब आप tin-nsdl में गए हम तीन डैश एन में जाने के बाद हम लोगों ने वापस दिखा दे रहा हूँ आपको डैश nsdlcom क्या yeah. क्या yeah, दो तीन पॉपअप आएंगे मैंने करना है सर्विसेज में जाऊंगा सर्विसेज पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन एक ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे मैंने उसको टिक किया क्लिक करूंगा तो काफी तो सारे चलांस यहाँ पे आ जाएंगे उन चाल से चालान लेना है आप जो अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर रहे हो या एडवांस पेमेंट कर रहे हो या टैक्स ऑन असेसमेंट जो पेमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको चालान नंबर एट जीरो लेना है और इस चालान को आपको ये बटन प्रोसीड बटन को प्रेस करना है जब बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है कैसे फिलअप करना आप किस टाइप के एसेस पर्सनल हो कि कंपनी एस एस सी हो मैं तो पर्सनल हूँ किस टाइप का पेमेंट कर रहे हो एडवांस टैक्स कर रहे हो कि सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो टिक टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट कर रहे हो बाकी आपके मतलब का नहीं है अभी फिलहाल तो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ ये जो मैंने तो सेल्फ असेसमेंट करने के बाद पेमेंट कर रहा हूँ अगर एडवांस टैक्स कर रहा होता तो एडवांस तो टैक्स डालता अदरवाइज मैं सेल्फ असेसमेंट डाल रहा हूँ नेट बैंकिंग से करूँ कि डेबिट कार्ड से करूँ मैंने नेट बैंकिंग

आपको तो थोड़ा मैंने शेलो थॉम्स तो का ट्रेनिंग भी दिया तीन इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो फोर्थ करेक्टर ऑफ पेन नंबर देख के आप ये बता सकते हो कि ये पेन नंबर किसका है पर्सनल यानी इंडिविजुअल का है कंपनी का, का है कि फॉर्म का है एच यू एफ का है कि ट्रस्ट का है फिफ्थ कैरेक्टर देख के आप ये बता सकते हो अगर पर्सनल इंडिविजुअल का पेन है तो उससे सरनेम का पहला लेटर आएगा अदर केसेस में नाम का पहला लेटर आएगा काम करिएगा घर में जाके आप अपना पैन नंबर जरूर चेक कीजिएगा अपना अपने पेरेंट्स का अपने और भी जान पहचान के जो रिलेटिव है उनका जिसका आप चेक कर सकते हो पेन नंबर जरूर चेक कीजिएगा और ये थ्योरी जरूर चेक कीजिएगा क्या ये कंसेप्ट कर रहा है कि नहीं कर पी <coughs> और एम पी फोर्थ करेक्टर एंड फिफ्थ करेक्टर आप जरूर जाके चेक कीजिएगा आप समझ में आएगा कि ये यूनिवर्सली पेन नंबर वाला लो फॉलो करता है फिर हम लोगों ने बातचीत किया कि ये पेन नंबर मिलता कहाँ से है ये पेन नंबर आपको मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं जाना है आपको एन एस डी एल और यू टी आई की ऑफिस या उनके फ्रेंचाइजीज जो है उनकी ऑफिस में फॉर्म नंबर फोर्टी नाइन ए आपको सबमिट करना है कुछ तो सीनेरियों में आप ऑनलाइन ही आप लोग पेन नंबर कॉल कर सकते हो फिर आप यहाँ पे पहुँचे पेन नंबर आपको जो मिला एक पेन नंबर फिर से डाल रहा हूं यह पेन नंबर मैं डमी डाल रहा हूं हो सकता है यह पेन नंबर वैलिड नहीं हो हो सकता है वैलिड हो मुझे नहीं पता मैं रैंडम एक नंबर डाल रहा हूं मैंने असेसमेंट या सेलेक्ट किया एड्रेस डाला एड्रेस डालने के बाद लिए मैंने यही एड्रेस डाल दिया डालना है तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हो नहीं डालना है सिंस एस्ट्रिक जहाँ पे लगा हुआ है रेड कलर का दैट इज मैंडेटरी फील्ड अदरवाइज आर ऑप्शनल मैं एक कैप्चा कोड में डाल रहा हूँ एल पी एन ये हर समय नया नया जनरेट होता है आई थिंक एवरी वन ऑल दिस थिंग प्रोसीड मैंने और ये भी invalid है। अगर इनवैलिड नहीं होता तो यहाँ आपका नाम अपेयर करता अगर इनवैलिड नहीं होता तो यहाँ पेयर करता नाम पूरा अपेयर नहीं करता आप चेक कीजिएगा आप अपना कीजिएगा। पूरा नाम अपेयर नहीं करता दो तीन लेटर रहता फिर एक्स 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 आता फिर कुछ लेटर आते फिर एक्स एक्स मीनस आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पे हाइड रखा गया है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो

फिर जब मैं प्रोसीड बटन प्रेस करूंगा तो मुझे रेस्पेक्टिव बैंक की वेबसाइट से वो कनेक्ट कर देंगे वहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालूँगा और मैं कनेक्ट हो जाऊँगा रेस्पेक्टिव बैंक की नेट बैंकिंग फैसिलिटी से एंड वहाँ पे मुझे अमाउंट फिलअप करना है और इसलिए मेरा बैलेंस होना चाहिए मेरा पेमेंट हो जाए पेमेंट होने के बाद एक चालान निकलता है उसका आप सॉफ्ट कॉपी रखिए और साथ में चार इंफॉर्मेशन आपको उस चलान में मिलनी चाहिए एक बी एस आर कोड सीरियल नंबर डेट ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट ये चार इंफॉर्मेशन आने वाले समय में जब आप रिटर्न भरोगे चार इंफॉर्मेशन प्रायर होगी बी एस आर कोड बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर है सीरियल नंबर उस दिन का आपका पेमेंट का सीरियल नंबर कौन सा है डेट ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट ये जब चालान हो जाएगा तो अब आप यहाँ बोलोगे दो रुपया जो मेरा बाकी था ये मैंने पेड कर दिया टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड प्लीज थाउजेंड अब आपको बैलेंस कितना देना है बैलेंस पेबल ये एक आपका काम हुआ ये एक आपका काम हुआ यहीं पे हम लोग अपना पहला सेशन कंप्लीट कर रहे हैं सेशन में आपने ये समझा ई चालान, ई पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करते हैं ध्यान रहेगा अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं साथ में बाकी दो और साइट का मैंने नहीं नहीं बाकी और दो साइट डॉट इन कई बार मॉडर्न ब्राउजर में ये बिना डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के खुलता नहीं है इस टाइप का मैसेज आ सकता है आपके पास तो आप क्या करोगे www डब्ल्यू आगे प्रीफिक्स तरह यूज करके नाउ प्रेस इंटर देखिए इनकम टैक्स का पोर्टल आपके सामने खुल गया यहाँ पे ऊपर लॉगिन एंड रजिस्टर बटन आ रहा है वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट एक आध दो क्लास के बाद जाएंगे यहाँ पर भी आप लेफ्ट साइड में जब तो देखोगे ई पे टैक्स बोल के एक विंग यहाँ पे दी गई है ये लिंक से भी आप उसी जगह पहुंचोगे टिन एन की ही जगह पर आप पहुंच वही जगह पर आप पहुंच चुके हो दैट मीनस कहीं कहीं पर भी लिंक का अल्टीमेटली आपको पहुंचना यही है एक और साइट का मैंने आपको तो नाम बताया था इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन यहां से भी आप पेमेंट की जगह पर पहुंच सकते हो यहाँ पर भी आपको मिलेगा पे टैक्स ऑनलाइन देखिए ई पेमेंट ऑफ टैक्स ये नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स जहाँ पर लिखाई दे रहा है नीचे से थर्ड आइटम ई पेमेंट ऑफ टैक्स ई पेमेंट ऑफ टैक्स को क्लिक करोगे अल्टीमेटली फिर से आपको यहाँ क्लिक करोगे तो आपको वापस से सी पोजिशन उसी पेज पर पहुंचा देगा दैट मीन्स तब तब डंगला की ना एक ही जगह है यहाँ से आपको आगे फर्दर चीट कर

ये दोनों साइट्स या किसी भी अदर साइट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ये दोनों साइट या तीनों साइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स है रिक्नाइज साइट है उन्हीं का ही हम लोग के ऊपर ही करेंगे किसी भी प्राइवेट या किसी भी पर्सनल वेब पेज का हम लोग यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ध्यान रहेगा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है आप जब यहां से क्लास करके लौट जाए तब घर में इस साइट से income tax india.gov.in ये जो पेज है इस पे जाकर एक बार जरूर आप विजिट करें क्या-क्या इंफॉर्मेशन -क्या आपको यहाँ मिलती है वो आप जरूर चेक करें क्या-क्या इंफॉर्मेशन क्या-क्या मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है डोंट वरी अबाउट यहाँ पे कोई लॉगिन कोई रजिस्ट्रेशन आपको करने की दरकार नहीं है income tax india.gov.in इस पोर्टल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके काम की मिलती है यहाँ पे एक बार आप जरूर विजिट कीजिए और यूज टू होइए इस वेब पेज पे क्या क्या अवेलेबल मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन में जाना है क्योंकि यहाँ जाने के पहले आपको लॉग इन और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यार तो होपफुली यू इंजॉय द सेशन कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपके साथ जरूर जुड़ी हुई है आपने कुछ नया इन्फॉर्मेशन कुछ नया चीज यहाँ पे सीखा है आने वाले सेशन में भी कुछ इसी तरीके से हमते रहेंगे थैंक यू